सरकारी अस्पतालों का अद्वियात और तनख्वाहों की मद में फंड जारी, महकमा खजाना की जानिब से अरबों रुपए के फंड जारी किए गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर को 295 मिलियन रुपए जारी किए गए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को 125 मिलियन के फंड जारी किए गए हैं। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कैसर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, महकमा खजाना पंजाब ने मुतद्दद लाहौर शहर के अस्पतालों को अरबों रुपए जो है वो अद्वियात और तनख्वाह की मद में जारी कर दिया है। लाहौर जनरल अस्पताल को 1 अरब रुपया जारी किया गया है। जिना अस्पताल लाहौर को 1 अरब रुपया जारी किया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो लाहौर है उसको 776 करोड़ रुपये जारी किया गया है। सर गंगाराम अस्पताल को 70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरस अस्पताल को 1 अरब रुपया जारी किया गया है। निश्तर अस्पताल मुल्तान को जो है वो 83 मिलियन रुपये जारी किया गया है। डी जी खां मेडिकल कॉलेज को 667 करोड़ रुपये जारी किया गया है। इसी तरह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर जो है उसको 295 मिलियन जारी किया गया है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसको 362 मिलियन रुपये जारी किया गया है। इसी तरह हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए जो है वो 1 करोड़ रुपये का बजट जो है जारी कर दिया है और इसमें अस्पतालों को हदायत किया है कि वो अपने डॉक्टरों नर्सों दीगर स्टाफ को तनख्वाहें और की मद में खर्च करें और बाकी जो पैसे हैं वो अद्वियात की खरीदारी और दीगर O&M के जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उन पर खर्च किए। ये बजट जो है मुख्तलिफ अस्पतालों को जारी कर दिया गया है। तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर।